हेलो डियर साथियों, स्टूडेंट हेल्प में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो साथियों, जैसे आप सभी लोग पता है कि आपके SSC कांस्टेबल 2019 का मेडिकल चल रहा है। तो साथियों, मेडिकल के साथ साथ आपके दो ऑफिशियल अपडेट जारी कर दिए गए हैं। तो ऑफिशियल अपडेट में साथियों ये बताया गया है, आपके आपके साथ ऑफिशियल साइट पर दो नोटिस जारी की गई है। तो ये नोटिस साथियों उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हैं जिनका मेडिकल चल रहा है। तो साथियों, जिनका मेडिकल चला है उनके लिए ऑफिशियल नोटिस जारी कर दी गई। तो इस नोटिस में क्या क्या बताया गया, तो आप सभी लोगों को एकदम अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ। तो अभी तक जिसने चैनल सब्सक्राइब करके हमसे जुड़े नहीं, वो चैनल सब्सक्राइब करके अभी जुड़ जाना SSC GD कांस्टेबल की पल पल अपडेट पाने के लिए। तो चलिए साथियों, देखता हूँ कि उस नोटिस में, दोनों नोटिस में क्या क्या बताया गया, तो पूरा प्रोसेस आप सभी लोगों के साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो साथियों, पहली नोटिस आपकी ये है, इम्पॉर्टेंट नोटिस है। तो ये नोटिस साथियों हालांकि 31 तारीख को जारी की गई थी। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये नोटिस 31 तारीख को जारी की गई थी साथियों। ये CRPF को मतलब भेज दी गई, ठीक है, इसकी जो एक कॉपी है वो CRPF को भेज दी गई। तो साथियों, इसमें ये बताया गया कि जो आप जो मतलब कि एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया, इसको मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ क्या हेल्पलाइन नंबर है। तो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा हेल्पलाइन नंबर, एक ईमेल भी है, तो उसको ले लेना। तो इसका काम क्या साथियों, इसमें ये बताया गया कि आप जैसे आपका मेडिकल चल रहा है उसमें, तो कोई ऑफिसर से है या तो कोई अदर दलाल जो होते हैं साथियों, वो लोग आपके पास फ़ोन करते हैं कि 50,000 दे दी, 1 लाख, 1.5 लाख दे दी, हम आपका मेडिकल पूरा प्रोसेस करवा देंगे। तो ये साथियों स्पेशल दलालों के लिए जारी की कर दिया गया है कि दलाल से आप सावधान रहना है, किसी दलाल के चक्कर में नहीं पड़ना, ठीक है। तो ये हेल्पलाइन नंबर साथियों CRPF के द्वारा जारी कर दिया गया है। अगर आपके पास कोई ऐसा फ़ोन आता है तो आप तुरंत इस हेल्पलाइन फ्री है हेल्पलाइन नंबर, इस पर कॉल करेंगे तो वो जो दलाल रहेगा वो पकड़ जाएगा, ठीक है। तो साथियों, ये तो हल्की नोटिस है, इसमें साथियों इतना बताया गया। तो ये जो है मतलब साथियों हेल्पलाइन नंबर, इसको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा नीचे, उसको देख लें। चलिए देखता हूँ दूसरी नोटिस में क्या बताया गया, जो सबसे इम्पोर्टेंट। तो साथियों, ये नोटिस आप सभी लोगों को एकदम ध्यान से और अच्छे तरीके देखना है, क्योंकि ये जिनका मेडिकल चल रहा है उनके लिए ये नोटिस बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे महत्वपूर्ण नोटिस साथियों ये भी आपका जिनका मेडिकल चल रहा है उनके लिए भी है। तो ये भी 31 तारीख को साथियों जारी की रद्द कर दी गई नोटिस। मुझे आशा है कि आप सभी लोग वीडियो पहले भी देख चुके हैं किसी यूट्यूब चैनल पर, लेकिन मैं आपको एकदम अच्छे तरीके से समझा के बताऊँगा क्या करना है इस नोटिस का। तो इसमें यह भी बताया गया कि एक जो कॉपी है इसकी वो CRPF को भेज दी गई है, तो NIA SSF और RFMN असम से के लिए। तो यहाँ पे साथियों नीचे जैसे हम आएंगे, नीचे जैसे आएंगे तो यहाँ पे लिखा है कि रेफरेंस SSC राइट अप टू द F नंबर इतना इतना इतना। तो यहाँ पे लिखा है SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हैड शॉर्ट लिस्टेड 19,734 एडिशनल कैंडिडेट फॉर द कंडक्टिंग PST PT इन ऑर्डर टू द फिल अप द इंक्रीज वैकेंसी CAPF आउट ऑफ द बीच 19,100 कैंडिडेट फीमेल, 8,431 मेल, 10,670 इज बीइंग कॉल्ड अपेयरिंग इन द PST PT इवेंट एंड 18 रिक्रूटमेंट सेंटर से आप ऑल CA। मतलब कि साथियों जो इतने कैंडिडेट रह गए थे इंक्रीज वैकेंसीज में, तो उनको 2-3 तारीख को, 3 फरवरी 2020 को उनका जो PST और PT का एडमिट कार्ड होगा, यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि आप देख सकते हैं इस घेरे में उनका एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। कब जारी कर दिया जाएगा, 30/3/2020 से 20/2020 तक उनका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। तो दूसरे लाइन में देखते हैं साथियों क्या बताया गया है कि कैंडिडेट आर आल्सो डायरेक्टेड टू द गो थ्रू ऑल द इंट्रोडक्शन एंड ब्रिंग प्रिंट कॉपी आप एडमिट कार्ड, जो आपका एडमिट कार्ड साथियों उसको आप लेके जाना है, जो आप जो मतलब कि जो प्रिंट आउट निकलाएंगे साथियों तो उसको लेके जाना, ठीक है। उसके साथ साथ आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट ले जाना है, अगर आप एज में कैटेगरी सर्टिफिकेट ले जाना है और डोमिसाइल ले जाना है। अगर आप साथियों एज में अपना सर्टिफिकेट छूट मतलब कि रिलैक्सेशन चाहते हैं सर्टिफिकेट में किसी में, तो उसका भी सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, ठीक है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये आपका एडमिट कार्ड साथियों 3 तारीख से डाउनलोड होना चालू हो जाएगा, जो कि 20 तारीख तक रहेगा। उसके बाद आपका जो एडमिट कार्ड होगा साथियों उसको आपको लेके जाना है, और आपको डोमिसाइल और कैटेगरी का या अगर एक छूट चाहते हैं तो उसका रिलैक्सेशन का लेके भी जाना है। तो नेक्स्ट ऑप्शन में साथियों ने बताया गया कि आउट ऑफ, एक सेकेंड साथियों,
तो साथियों तीसरी नोटिस में क्या आप सभी लोग बताया गया कि आउट ऑफ 19,734 एडिशनल कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड आप पीएसटी पीटी 906 कैंडिडेट हु आर द एयरलर डिक्लेयर क्वालिफाइड आप सीबीएस एंड शॉर्ट लिस्टेड पर पीएसटी पीटी डब्ल्यू बी डी एस एस सी राइट अंदर, मतलब कि साथियों जो आपके इतने कैंडिडेट एडिशनल शॉर्ट लिस्टेड रह गए थे 906 जो कैंडिडेट साथियों उनको मतलब कि बुला लिया गया, ठीक है, इतने तारीख तक। तो उसके बाद साथियों जो आपका 633 कैंडिडेट थे उसमें से 298 कैंडिडेट, यहाँ पे देख सकते हैं साथियों, आपको दिखा रहा हूँ एक सेकंड, 298 क्वालिफाइड हुए थे, 341 डिसक्वालीफाई हुए थे। तो नॉट मतलब कि 341 नहीं क्वालिफाई कर पाए थे और 292 क्वालिफाई कर लिए थे। तो साथियों यही आपके पास है जिनका मतलब कि 19,000 जो पद मतलब कि रह गए थे साथियों, तो उनके लिए ऑफिशियल नोटिस जारी कर दी गई है। तो आप सभी लोग 3 तारीख से मतलब कि आज 1 तारीख है तो लगभग परसों से साथियों आप अपने एडमिट कार्ड जारी मतलब कि डाउनलोड होना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो 3 तारीख से आप सभी लोग जो रह गए थे कैंडिडेट वो लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है। तो साथियों नोटिस में आप सभी लोगों को मैंने समझा दिया, अगर कोई भी कमेंट मतलब कि रह जाता है तो कमेंट बॉक्स जरूर पूछ लेना, सर मेरे समझ में नहीं आ रहा, मैं ज़रूर आप सभी लोगों को एक बार कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। तो साथियों ये वीडियो यहाँ पे अंत तक, तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।